कहाँ पहुँच गई है गाड़ी, 80 क्रॉस कर गई है, जरा सा पंजा दबाने में। और कोई शोर नहीं है इंजन का, मतलब जैसे बहुत रिफाइंड है, इससे ज्यादा तो ग्रैंड विटारा का शोर कर रहा था। बहुत ही अच्छी चल रही है गाड़ी, मतलब अगर कोई प्लान कर रहा है, मैं तो बस रिक्वेस्ट करूंगा मारुति सुजुकी वालों से कि एटलीस्ट थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी और बेटर कर देंगे, कस्टमर को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए सेफ्टी गाड़ियां लेने के लिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे, मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। तो दोस्तों आज आपके लिए ये गाड़ी लेकर आए हैं, आपको समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो भाई मेरा काम है आपको बताना। ये देखो भाई, ये है मारुति की ब्रांड न्यू फ्रॉन्क्स गाड़ी, ये देख लो भाई, कहीं आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, खासकर इसका ओनरशिप। ड्राइव रिव्यू तो आपने बहुत देखे होंगे, इसका ओनरशिप भी चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल पर देखें, बहुत ही मज़ेदार ओनरशिप एक्सपीरियंस बना है। आज हम भाई इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मॉडल कौन सा है दोस्तों, ये है मारुति का डेल्टा वेरिएंट, फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट ऑटोमेटिक में, जो ऑन रोड दिल्ली में आपको लगभग 10.5 लाख रुपए का मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे यार इस रेट में तो बलिनो भी आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो इंजन है दोस्तों वो सेम बलिनो वाला, ये देखो इस डेल्टा की कुछ ऐसी चाबी देखने को मिलती है, ये जो इंजन है भाई वो बलिनो वाला है, 1.2 चार सिलेंडर है ना इंजन जो बलिनो में आता है। अब आप बोलोगे यार इससे बढ़िया तो बलिनो ले लें, ये भी तो बलिनो है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गाड़ी के लुक्स भाई मैं आपको बता दूँ, बहुत ही इन रियल लाइफ बहुत ही एक्सेलेंट लगती है ये गाड़ी, मतलब जो कूपेड लुक आता है ना इस गाड़ी का, जैसा लगता है कि गाड़ी भाई किसी Q2 या मिनी कूपर सेगमेंट की है। लुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत शार्प बहुत प्यारे लुक्स हैं, बलिनो कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। मेरे हिसाब से मारुति की आज तक की सबसे ज़्यादा सुंदर गुड लुकिंग लुक्स वाइज जो है वो फ्रॉन्क्स गाड़ी है, बहुत ही सुंदर है। बाकी अगर आपने ऑन रोड देखी आप तो इस पर आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, इंटरनेट पे भाई चीज़ें इतनी समझ नहीं आती, इन रियल लाइफ बहुत भाई, अगर इसकी छत काली हो जाए ना ये बहुत ही एक्सीलेंट लगेगी। अब बात करते हैं चलने में गाड़ी कैसी, परफॉर्मेंस कैसी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है बलिनो वाला इंजन, तो आओ देखते हैं गाड़ी कैसी है, आपको इसके सारे चिट्ठे आज बताएंगे इसके ड्राइव रिव्यू में। ये आप इसका इंटीरियर भी देख सकते हैं, आ चुके हैं मारुति की फ्रॉन्क्स के अंदर, ऑटोमेटिक है ये, AMT आता है ना इसमें। तो दोस्तों अब हम जो है फ्रॉन्क्स की ड्राइव की तरफ निकल चुके हैं, आपको बताते हैं कैसे इंप्रेशन है। यहाँ पे आगे थोड़ी सड़क खराब है तो आपको इसके सस्पेंशन वगैरह बताते हैं। देखो समय चार लोग बैठे हुए, कंफर्ट कैसा है सर पीछे? बहुत ही अच्छा कंफर्ट है, सस्पेंशन भी बहुत ही बढ़िया, सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्ट है सिटी के हिसाब से, गड्ढे वगैरह ब्रेकर वगैरह सब अगर गाड़ी निकालते हो महसूस ही नहीं हो रहा, ये देखो वाह, डेल्टा वेरिएंट और इसका AMT भी जो है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा, कहीं पर मुझे तो नहीं जरक लग रही है, इसके अंदर जरक आ रही है। अभी आगे देखते हैं, अभी यहाँ पे थोड़े गड्ढे यहाँ पे भी आएगा थोड़ा। अब आप ये देखना कि कैसी सड़क है ये, और तो क्या ये हैंडल कर रही है, स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह इसका, स्टीयरिंग फीडबैक भी बढ़िया, सब कुछ जो है बहुत ही कमाल है, अभी तक तो बढ़िया लग रहा है। ये देखो प्रॉपर सिटी ड्राइव जो रियल लाइफ कंडीशन होती है दोस्तों, जहाँ पे आप डे टू डे लाइफ में चलाओगे गाड़ी, हिल होल्ड भी है वही लगभग सब कुछ ही मिलता है इसमें आपको। अब ये बलिनो जा रही है, देख कितनी छोटी सी लग रही है ये बलिनो, तो खैर ये तो पुरानी वाली है, इसके लुक्स तो बहुत ही एक्सेलेंट है जो फ्रॉन्क्स गाड़ी है। हॉर्न भी ठीक है इसका, अच्छा है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है, बहुत लाउड है। अभी आगे ब्रेकर आएगा, ब्रेकर पर देखते हैं कैसा लग रहा है, स्टीयरिंग वगैरह वाइब्रेशन फीडबैक, मैं बोलूं ग्रैंड विटारा का थोड़ा सा ज्यादा बेटर है इससे, लेकिन ये है कि हाँ अपनी सेगमेंट के हिसाब से ना ये बहुत अच्छा स्टीयरिंग फीडबैक दे रही है, और गियर भी ऐसा भी कुछ शिफ्ट होते हुए बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा, स्मूथ है, पिकअप में कहीं लैग नहीं है गाड़ी के अंदर जो है, वो पिकअप भी बिल्कुल ठीक ठाक ले रही है गाड़ी, और विजिबिलिटी बहुत अच्छी खासी है इसके, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खासी है। आगे एक ऐसी रोड है जहाँ पे प्रॉपर सस्पेंशन इसके टेस्ट हो जाएंगे, वो जो ब्रेकर सा बना हुआ है आगे, बहुत ही मैं बोलूंगा दक्ष बहुत बढ़िया ट्यून कर रखी है मारुति सुजुकी ने इसको, जो बहुत बढ़िया ट्यूनिंग कर रखी है इसकी, और ब्रेक्स भी ठीक लग रही हैं, ब्रेक्स अच्छी हैं, हाँ बहुत बढ़िया लग रही है। बलिनो भी बहुत चलाई है, लेकिन ये चलाने में ये मैं कह सकता हूँ कि ट्यूनिंग इसकी कुछ ज्यादा बेटर, ये बलिनो वाला इंजन है सेम 1.2, लेकिन इसकी ट्यूनिंग जो है मुझे अलग लग रही है। अब जैसे ये बड़ी उबड़ खाबड़ सी ये फुटपाथ टाइप रोड है, बिल्कुल ये तो है सड़क जो है, ये हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट बनता है यहाँ पे, लेकिन इतना ज्यादा मैटर कर नहीं रहा है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा मतलब सिटी ड्राइव में किसी को। सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है सस्पेंशन। और अब बात करें अगर हम पिकअप की, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर पंजे को प्रेस कर रहे हो, पंजा दबा रहे हो, एक्सीलेटर दबा रहे हो, तो गाड़ी कहीं पे भी डिसअपॉइंट कर रही है। और कोई शोर नहीं है इंजन का, मतलब जैसे बहुत रिफाइंड है, इससे ज्यादा तो ग्रैंड विटारा का शोर कर रहा था 3 सिलेंडर वाला, मतलब इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है सीट पे बैठे हुए, और
और स्टेयरिंग पे और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो रहा गाड़ी चलाते हैं। कंफर्ट कैसा लग रहा है सीट का? बहुत ही लाजवाब। कंफर्ट बहुत ही हाइट बहुत अच्छी है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है, अच्छी लग रही है, ब्रेक कहीं डिसअपॉइंट नहीं कर रही है। थोड़ा सा खींच कर देखे, मारुति की यही खासियत है, ये जो इनके इंजन होते हैं ना बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं। मतलब दूसरे तीसरे गियर तक थोड़ा सा शिफ्टिंग पता चल रही है, लेकिन ऐसी भी कोई वो खास नहीं पता चल रही है। अगर हम इसे थोड़ा रेव करें 3-4 हजार RPM तक तो क्या एक बार इंजन का रिस्पॉन्स है? अभी आप ये देखो कि 50 की स्पीड और पांचवा गियर ले चुकी है गाड़ी जो है, तो एवरेज तो अपने आप ही अच्छी आएगी। RPM 2000 के नीचे है इसका, है ना? नॉन टर्बो इंजन है, नॉन टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के हिसाब से बहुत ही वेल ट्यून्ड है और मतलब हैंडलिंग भी सॉफ्ट सस्पेंशन है, हैंडलिंग भी बहुत ही फर्स्ट क्लास है गाड़ी की। मतलब एक अच्छी फैमिली गाड़ी हम कह सकते हैं सेगमेंट में। मतलब सिटी मैनूवर करने में कहीं पे भी मुश्किल नहीं हो रही है। ये देख थोड़ी सी अगर खींची है तो एक जर्क आया जब आपने एकदम से दबाया ना, लेकिन कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। ये देख पिकअप देख कहां पहुंच गई है गाड़ी, 80 क्रॉस कर गई है जरा सा पंजा दबाने में और कुछ और नहीं आया। इंजन बिल्कुल टर्बो वाली फीलिंग आ रही है, चार लोग बैठे हुए हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, यही तो यार खूबी है सुजुकी की। ये तो है जापानी इंजन का, इनका जो 1.5 चाहे ब्रेजा वाला हो गया वो भी बहुत ही एक्सीलेंट इंजन है, बहुत ही अच्छी चल रही है गाड़ी। मतलब अगर कोई प्लान कर रहा है तो वो बिल्कुल ले सकता है बलिनो के कंपैरिजन, क्योंकि लोग इसका कंपैरिजन बलिनो से करते हैं। यार बलिनो जो है ना बड़ी लो वो लगती है, लो स्टांस वो हैचबैक लगती है, ये थोड़ी इसके अंदर आपको ना एसयूवी वाली फीलिंग आ रही है, बोनट पूरा आपको विजिबल है, इसका कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है। मतलब इसे आप नेक्सॉन के सेगमेंट का एक तरह से कह सकते हो कि ये थोड़ी उस सेगमेंट की, जैसे बलिनो से ना ही कंपेयर करो, सोनेट के सेगमेंट में इसे कह सकते हो। और लुक्स वाइज उन सबसे सुंदर लगती है, सबसे अच्छी लग रही है मुझे इसकी हैंडलिंग। और एसी भी देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है, कूलिंग लाजवाब, कोई शोर नहीं है एसी का, कि होता नहीं है कि आप फैन स्पीड तेज करा तो वो शोर करता है, कोई शोर नहीं है ऐसा खास, फर्स्ट क्लास एसी बहुत बढ़िया कूल कर रहा है। मतलब इस गर्मी के अंदर भी अगर ये एसी ऐसा कूल कर रहा है बहुत ही बड़ी बात है यार। मारुति की बहुत ज्यादा ना मुझे पसंद नहीं आती गाड़ी चलाने में, लेकिन जिस हिसाब से ये चल रही है गाड़ी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मतलब इस इंजन के साथ। अब ये देख जैसे कि ये अभी नॉर्मल चल रही है गाड़ी, अब मैं थोड़ा सा इसका पंजा प्रेस किया मैंने गाड़ी का, आरपीएम थोड़ा बढ़ रहा है, आरपीएम बढ़ा, कोई शोर नहीं है इंजन का, सबसे बड़ी बात क्या रिस्पांस दे रही है गाड़ी, ये देखो। तो ये देख लो भाई, आज आपके सामने बलिनो और फ्रॉन्क्स दोनों मैंने खड़ी कर दिया। ये है भाई मारुति की बलिनो गाड़ी, इसको तो खैर वैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये गाड़ी शायद लोगों को कम पता हो भाई। लेकिन दोस्तों ये जो मिथ है ना कि यार ये बलिनो है, ये 10-15 लाख की बलिनो है, भाई ये बिल्कुल गलत है। भले ही इंजन सेम हो लेकिन यार लुक्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। आई डोंट नो कि फोटो में आपको वीडियो में कितना समझ आ रहा है, या फिर जो ऑनलाइन आपने वीडियोस देखी हैं, फोटोज देखी हैं फ्रॉन्क्स की, तो भाई आपको शायद बलिनो लग रही होगी, मुझे भी लग रही थी, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हो, मुझे भी लग रही थी, लेकिन भाई जब मैंने इन रियल लाइफ इस गाड़ी को देखा ना, तो भाई इसमें और बलिनो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ये पता लग रहा है कि थोड़ी ना छोटी हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है। वहीं मैं बात करूँ फ्रॉन्क्स की, भाई इसका जो लुक्स है ना, मतलब ये जो इसकी शेप है ये ऐसा लगता है कूपी डिज़ाइन है, कूपे डिज़ाइन है, जैसे मिनी कूपर का आता है या ऑडी Q2 का आता था, ये मैं सही बताऊँ तो ये ऑडी Q2 सेगमेंट की गाड़ी लग रही है। एंड ये पता लग रहा है, हाँ ये भी सुंदर है, लेकिन ये पता लग रहा है ये मतलब हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी, अल्ट्रास वगैरह, इसके लुक्स तो भाई बहुत ही शानदार हैं। एक बार अगर आप साइड प्रोफाइल भी देखो, मारुति की फ्रॉन्क्स और जो है मारुति की बलिनो, कहीं से भाई ये है डेल्टा वेरियंट है, ये कौन सा है मुझे बाहर से पता नहीं लग रहा है, ये जीटा या फिर अल्फा लग रहा है, अलॉय व्हील्स हैं इसमें। देखो भाई कहीं से भी ये मत बोलो कि ये गाड़ी जो है बलिनो है, मोटी कर दी बलिनो को, फुला दिया भाई, लुक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, ये गाड़ी बहुत ही किलर लगती है। बाकी एक बारी दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो देखो कैसे, अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं, देखो इंटीरियर दोनों गाड़ियों का लगभग सिमिलर है, लगभग क्या मैं कहूँगा 95% या सेम ही है इंटीरियर दोनों का, स्पेस भी लगभग सेम ही है, चाहे आप बात करो फ्रॉन्क्स की चाहे आप बात करो बलिनो की, पीछे का स्पेस हो गया आगे का स्पेस हो गया, लेकिन भाई जो रोड प्रेजेंस है और जो एक मतलब एक स्पोर्टी लुक है ना, वो बलिनो में कहीं से भी नहीं है। लेकिन यार इस गाड़ी में तो इस गाड़ी ने तो पागल कर दिया यार मेरे हिसाब से दोस्तों। अभी खैर ये दिल बहुत कम इसकी डिलीवरी शुरू हुई है, वेटिंग पे है गाड़ी, अभी ज़्यादा डिलीवरी मारुति कर नहीं पा रहा, नेक्सस की कर नहीं पा रहा, लेकिन दोस्तों मुझे जो लगता है कि जब ये गाड़ी बिकनी थोड़ी शुरू होएगी एंड ये सड़क पे धीरे धीरे दिखेगी ना, जब लोग इस गाड़ी के लुक्स को नोटिस करेंगे भाई ये गाड़ी दीवाना कर देगी, मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, इतने प्यारे लुक्स हैं ना इसके। जैसे जैसे लोगों को ये जो है गाड़ी सड़क पे दिखेगी, इसकी जब ये टेल लाइट जलती दिखेगी भाई, कोई कह ही नहीं सकता कि ये बलिनो है। मतलब लोग बलिनो की बुकिंग कैंसिल करा के, जैसे
इसका टॉप मॉडल जो आता है अल्फा ऑटोमेटिक वो आपको लगभग 10.5 लाख का मिल जाता है, एंड इसका डेल्टा ऑटोमेटिक बीच का वेरिएंट जो है वो आपको 10.5 लाख का मिल जाता है। लोगों ने अपनी बलिनो की बुकिंग कैंसिल करा के फ्रॉक्स लेनी है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है लुक्स के बारे में, इसकी सेल्स कितनी होगी कितनी नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मैं जरूर जानना चाहूंगा, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। चलो दोस्तों तेज खींच के देखते हैं आप लोगों के लिए कि जैसे अगर स्विफ्ट को ओवरटेक करना कर लेगी, कर लिया, कर लेगी, क्यों नहीं करेगी। इंजन बहुत ज्यादा शोर नहीं कर रहा, रिफाइंड इंजन है। क्या होता देख, अगर तो एकदम पंजा दबा रहे हो कि आप टर्बो वाली फील ले रहे हो तो एकदम तो पावर नहीं आ रही है, फिर तो आप क्या करना टर्बो लो। लेकिन जब एक बारी पावर आ गई है तो वो बहुत अच्छी सफिशियंट पावर आपको देती रहती है काम हो गया यहाँ पे। देखो तो भाई हैंडलिंग वाइज अपने प्राइस को ये पूरा गाड़ी जस्टिफाइड कर रहा है, एंड बाहर का कोई शोर भी नहीं आ रहा है, एनविच लेवल बहुत अच्छा है इसका। पिकअप वाइज आपको सस्पेंशन कैसे लग रहे हैं, पीछे से ब्रेकर में झटके झटके आ रहे हैं। हम तो दक्ष अभी होके आए हैं जो पहाड़ों पे, बहुत ही रास्ता आप देखेंगे वो रास्ता इतना खराब था जैसे गवर्नमेंट ने कभी वहाँ पे सड़क ही नहीं बनाई लेकिन ये गाड़ी इतने प्यार से निकल गई क्योंकि वहाँ वोटर्स बैंक नहीं है ना, इससे सड़क नहीं बनी। हाँ जी हाँ जी, पर बहुत ही उम्दा किस्म से निकली है गाड़ी। और क्या मैनुअल मोड भी है इसके अंदर, मैनुअल मोड पे करना चाहो यहाँ पे हो जाता है ना, तो ये देख प्लस हो गया, प्लस नीचे है, हाँ ये देख माइनस हो गया, ये दूसरे गियर पे आ गई, ये तीसरे गियर पे आ गई। जो कमी मुझे ग्रैंड विटारा के अंदर लग रही थी कि उसके अंदर मैनुअल मोड नहीं था, उसके अंदर एक बी मोड दिया हुआ है, मतलब वो यार चार सिलेंडर ही होते हैं, बहुत रिफाइनमेंट अलग ही होती है, चल रही है गाड़ी, मतलब वैल्यू फॉर मनी है, कहीं से भी इसको बलिनो से कोई कंपेयर ना करे गाड़ी को, एकदम अलग है ये, भले इंजन सेम होएगा लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। और बहुत अच्छा ट्यून किया हुआ, हैंडलिंग बहुत अच्छी है बलिनो से, बहुत अच्छी हैंडलिंग बहुत, हाँ बलिनो पता लगता है थोड़ी ना सस्ती सेगमेंट की गाड़ी है, ये थोड़ी प्रीमियम लगती है उससे काफी, हर मतलब हर वे में। आप ये जो अग्निहोत्री साहब का चैनल देख रहे हैं उसमें मेरी एक ही वो है कि इन्होंने मेरी 10.5 लाख की गाड़ी के आज 20 लाख रुपए लगा दिए। नहीं इनके रिव्यूज जो है बहुत ही सही होते हैं, मैं आज से फॉलो नहीं कर रहा, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई मेरी इनसे रिश्तेदारी नहीं है कोई, लेकिन इनके जो रिव्यूज हैं बड़े ही जेन्युइन, और बिल्कुल जो ये कस्टमर से बात करते हैं ये नहीं है कि इनके कोई लिंक्स में होते हैं, ताकि आप लोगों तक बिल्कुल ओरिजिनल रिव्यूज, ताकि आप लोग अगर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं आपको पूरी नॉलेज मिले गाड़ी के बारे में कि क्या उसके पॉजिटिव है क्या उसके नेगेटिव है। सर ने अपने ओनरशिप रिव्यू में सारी बातें डिटेल में बताई, जरूर देखना आप अगर आपने नहीं देखा। हाँ जी, तो मैं कंक्लूजन बताऊं कि भैया 10 से 10.5 लाख के बीच में ऑटोमेटिक वेरिएंट, चाहे इसका मैनुअल ले लेना चाहे इसका ऑटोमेटिक ले लेना, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। इसका बेस मॉडल मैं तो बस रिक्वेस्ट करूंगा मारुति सुजुकी वालों से कि एटलीस्ट थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी और बेटर कर देंगे, कस्टमर को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए इनकी गाड़ियां लेने के लिए। देखो एक ही पॉइंट है जहाँ पे कस्टमर अभी भी थोड़ा सा हिचकिचाता है कि यार मारुति वाले ना एवरेज के चक्कर में थोड़ी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अगर इसकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी आती है, मतलब 2-3 स्टार नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट 4 स्टार रेटिंग आनी चाहिए गाड़ी की, जिससे कस्टमर जो खरीदता है वो पीस ऑफ माइंड के साथ ही गाड़ी को चलाए, क्योंकि ऐसी ट्रिप क्यों कर गया, वो गाड़ी बंद हो गई थी, गाड़ी बंद हो गई थी क्योंकि हाईवे के ऊपर आप ना चाहते हुए भी 100-120 गाड़ी चली जाती है, बिल्कुल पता नहीं तो चलता, पता नहीं चलता। और अगर 64 की स्पीड पे गाड़ी अनसेफ निकल आती है तो 100 की स्पीड पे तो 0 स्टार हो गई ना गाड़ी, सेफ्टी कहीं ना कहीं जरूरी है, अदरवाइज चलाने में गाड़ी लाजवाब है, अगर आप लिमिट में रह के इसको चला रहे हो 80-100 तक चला रहे हो तो गाड़ी बिल्कुल लाजवाब है, 120 तक भी ठीक है, थम्स अप है गाड़ी के लिए, मतलब ड्राइव के अंदर मैं कमी नहीं बता सकता इसके अंदर कि मुझे ऐसा कुछ लगा कि कोई कमी है, लाजवाब चल रही है। बस जो एक लगी थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी अगर मारुति इंप्रूव कर देती है अपने आने वाले जो है, बस ये मत समझना कि पंजा दबाते ही रॉकेट हो जाएगी, रॉकेट की तरह उड़ेगी लेकिन थोड़ी सी स्पीड पे जाने के नहीं, तो अगर आपको ज्यादा मजा नहीं है तो आप 200 टर्बो वाला ले लो, वो आपको इससे और पंची लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से रिफाइनमेंट इस वाले की ज्यादा अच्छी है, क्या सस्पेंशन काम कर रहा है, लाजवाब। थैंक यू इसलिए नहीं, मेरी गाड़ी की पहली गाड़ी जो निकली है इस नेक्सा के शोरूम से उसके लिए नहीं, थैंक यू ये लाखों करोड़ों लोगों तक ओरिजिनल रिव्यूज पहुंचाने के लिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं आपके लिए और ऐसा बहुत सारा मजेदार कॉन्टेंट लाता रहूंगा, थैंक यू सो मच।